हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये चिकन अचारी का फ्रेंड्स, ये चिकन अचारी की रेसिपी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस चिकन अचारी की रेसिपी से फ्रेंड्स आप छोटा सा व्यवसाय कर सकते हो फ्रेंड्स। जिस तरह से लॉकडाउन का फ्रेंड्स माहौल चल रहा है फ्रेंड्स, उस तरह से फ्रेंड्स सब लोग घर में बैठे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप फ्रेंड्स इस काम को कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन में जा करके लोगों को मैसेज डाल सकते हो फ्रेंड्स के चिकन अचारी हम बना के सप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, जो आपको हमारे मेन चेफ इर्तिजा साहब सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। ये चिकन अचारी का आप सिर्फ तस्वीर देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा इसका शक्ल आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें सारा मसाला इनके हाथ का बनाया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन में आपके मंथली इनकम आपकी इससे फ्रेंड्स कम से कम 40,000 रुपये हो सकती है फ्रेंड्स। जिस तरह से हमारे इर्तिजा साहब, इनसे मैं अभी इंटरव्यू लूँगा फ्रेंड्स। इर्तिजा साहब इस किचन के ऑनर हैं, ये आज की चिकन अचारी दिखा रहे हैं। हेलो इर्तिजा साहब, कैसे हैं आप? हेलो, बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मिस्टर इर्तिजा साहब। हमारे व्यूअर्स बहुत सारे पूछना चाह रहे थे इर्तिजा साहब के कुछ घरेलू कुछ नुस्खा बताइए, जिससे बेच के हम लोग अपना लालन पालन कर सके फ्रेंड्स। तो आप ये चिकन अचारी के लिए कुछ बताइए कि किस तरह से ये बनेगा, कितना लागत आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा और बिजनेस ये कैसे हो सकता है? बहुत इजी प्रोसेस है चिकन अचारी का। जी जी, मैं आपको सारे नुस्खे घरेलू होते हैं, सारे आपके पास मसाले अवेलेबल होते हैं घर में। सौंफ चाहिए, कलौंजी चाहिए आपको थोड़े थोड़े, और खड़ी धनिया चाहिए, खड़ा लाल मिर्चा चाहिए, उनको एक साथ भून के और मिक्सी में पीस लें। उसके बाद से चिकन को प्याज में लपेट कर थोड़ा सा आग पर तेल में डाल के आग पर भूने, और उस मसाले को डालने के बाद थोड़ा देर भूनते भूनते जब चिकन थोड़ा लाल होने लगे तो उसमें टमाटर डालें और उसके बाद फिर भूनते रहें। और दही इसमें आखिरी में मिलाना है, लास्ट में आप दही मिलाएं और हरी मिर्च लंबी लंबी जो आपने पहले मसाला डाला था, जी जी, हरी मिर्च को काट कर थोड़ा मसाला उसमें भी मिला देना ताकि अचारी का टेस्ट हरी मिर्च में भी आए। और इसी तरीके से भूनते रहना है, जब रोगन छोड़ने लगे तो आपका अचारी तैयार है। मैं फ्रेंड्स बहुत दिन से इनसे मिलना जा रहा था फ्रेंड्स, लेकिन ये मिल नहीं पा रहे थे, बहुत बिजी थे। तो अब इर्तिजा साहब, ये 1 किलो चिकन में कितने की लागत आएगी, चिकन का प्राइस मिला करके सारे अचारी में? अब आप चिकन अगर देखिए होलसेल रेट से अगर आप काम कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन खुदरा काम कीजिएगा तो जो भी चिकन का आपका मामला है 200 रुपये 150 रुपये जैसे ही मिल रहा है, वो तो चिकन का आपको लेना पड़ेगा। और बाकी मसाला रेसिपी में अगर आप बात करते हैं तो 1 kg में आपको मसाले के हिसाब से लगभग 100 रुपये का और खर्चा है, टमाटर है और सारे मसाले हैं, लगभग 50 रुपये का और खर्चा है दही वही लेकर। और उसमें अगर आप 3 पीस भी बेचते हैं 50 रुपये का, 40 रुपये का, तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें। तो इसमें कितना 1 किलो में कितना प्रॉफिट हमारे व्यूअर्स कमा सकते हैं? 1 किलो में आपके कम से कम 2, 4, 6, 8, 10 12 पीस आएंगे, 24 पीस आएंगे, और आप 3 पीस अगर आप 70 रुपये में बेच रहे हो तो 8 प्लेट बिकेगा, तो 8×7=56, 560 और लागत आ रही है 300 रुपये, तो 50% का फ्रेंड्स, ये 50% का बिजनेस है फ्रेंड्स। लॉकडाउन में आप ये काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। इर्तिजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार आप फिर से दिखाइएगा, 1 पीस हम खाएंगे भी आपके यहाँ आज की आपकी फैक्ट्री में। इर्तिजा साहब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इससे, चिकन अचारी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और आगे हम आपको लाएंगे फ्रेंड्स और भी कुछ वीडियो इर्तिजा साहब के रेसिपी के, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स।